दोस्तों, सुपरस्टार अजय देवगन सर की फिल्म दे दे प्यार दे बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी बेहतरीन कमाई कर रही है और कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस फिल्म को 17 मई के दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज कर दिया गया था और इस फिल्म ने अपने पहले ही दिन 10 करोड़ 41 लाख रुपये की कमाई की थी, जो कि इस साल की 6वीं सबसे बड़ी ओपनिंग थी। बता रहे दोस्तों कि अजय देवगन सर की इस फिल्म की स्टोरी को और इनकी एक्टिंग को काफ़ी पसंद किया जा रहा है और दोस्तों ये फिल्म मेट्रो सिटीज़ और मल्टीप्लेक्सेस में काफ़ी अच्छी कमाई कर रही है। दोस्तों, इस फिल्म ने अपने पहले दिन तो कमाए थे 10 करोड़ 41 लाख रुपए, वहीं इस फिल्म के कलेक्शंस में दूसरे दिन काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी और इस फिल्म ने कमाए थे 13 करोड़ 39 लाख रुपए। बताया दोस्तों कि इस फिल्म को ऑडियंस काफ़ी पसंद कर रही है, इसलिए यह फिल्म अपने पहले ही वीकेंड में 38 करोड़ 54 लाख रुपए को क्रॉस कर चुकी थी। वहीं अपने फर्स्ट वीक का इस फिल्म का कलेक्शन था लगभग 61 करोड़ 5 लाख रुपए। बताया दोस्तों कि इस फिल्म को सेकेंड वीक में भी काफ़ी पसंद किया जा रहा है और कई सारी नई फिल्में रिलीज होने के बाद भी यह फिल्म सेकेंड वीक में उन सभी फिल्मों से ज़्यादा कमाई कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस फिल्म ने अपने 12वें दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाए थे 2 करोड़ 37 लाख रुपए। वहीं इस फिल्म के 13वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी काफ़ी अच्छे रहे और इस फिल्म ने कमाए 2 करोड़ 23 लाख रुपए। यानी कि दोस्तों, सिर्फ अपने एक ही दिन बाद इस फिल्म के कलेक्शन में मात्र 14 लाख रुपए की ही कमी देखने को मिली, जो कि एक काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। वहीं आज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म के काफ़ी अच्छे रहे हैं और दोस्तों, इस फिल्म ने आज भी बॉक्स ऑफिस पर कमाए हैं 2 करोड़ 20 लाख रुपए। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म का जो टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो ऑल इंडिया नेट पर हो चुका है 85 करोड़ रुपए का। वहीं अगर बात करें वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की, तो वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर दोस्तों ये फिल्म अभी तक कमा चुकी है 120 करोड़ रुपए। दोस्तों, इस फिल्म का बजट है मात्र 75 करोड़ रुपए का और इस तरह से ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अजय देवगन सर के लिए इस साल की दूसरी बड़ी हिट फिल्म साबित हो चुकी है। बताया दोस्तों कि इस फिल्म की स्टोरी को काफ़ी पसंद किया जा रहा है, इसलिए ये फिल्म काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है और बॉक्स ऑफिस पर कई महीनों तक चलने वाली है। बताया दोस्तों कि ये फिल्म अजय देवगन के लिए लगातार 5वीं फिल्म है जो कि हो चुकी है सुपरहिट। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आप इस फिल्म को किस लिए देखने गए थे, इस फिल्म की स्टोरी के लिए या फिर सिर्फ अजय देवगन सर के लिए, हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।